हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले एज का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेशियो ऑफ एज ऑफ मैक एंड जैक इज 3:5। मैक और जैक दो बंदे, देयर इज मैक एंड जैक, द प्रेजेंट एज रेशियो इज गिवन, कितना है 3:5। मैक और जैक का प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5 गिवन है। 12 ईयर फ्रॉम नाउ, 12 साल के बाद में, 12 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 7:9, यानी 12 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना है दोस्तों, 7:9 है। भाई रेशियो में देखेंगे कितने का डिफरेंस है, पहले 5 था, अभी कितना हो गया जैक 9 हो गया, पहले मैक 3 था, अभी 7 हो गया, मतलब रेशियो में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना, रेशियो में है 4 का डिफरेंस, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 ईयर का डिफरेंस है, तो 4 को क्या बनाएंगे दोस्तों, 12, तो 4 को अगर 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, यानी 3 क्या हो गया मेरा मल्टीप्लायर फैक्टर, ठीक है ना, 3 क्या हो गया मेरा मल्टीप्लायर फैक्टर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आप कौन सी भी एज निकाल सकते हैं। आप उस मल्टीप्लायर को, उस 3 को जहां जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, आप उस 3 को या मल्टीप्लायर को जहां जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे वहां वहां की क्या निकलेगी दोस्तों, एज निकलेगी। अगर क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का रेशियो यहाँ पे है, तो इस प्रेजेंट एज के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 ईयर्स और 3 5 15 ईयर्स, तो ये क्या हो गया, ये जैक का एज और एक कौन किसका एज हो गया, मैक का एज। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि आज से 12 साल के बाद का, तो 12 साल, आज से 12 साल के बाद के एज का रेशियो कितना है, 7:9 है, कितना है, 7:9, तो इस 7:9 को मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि कितना है 3 है, तो 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 3 का कितना होगा 21 ईयर्स और 9 3 का कितना होगा 27 ईयर्स का जैक हो जाएगा, और ये मैक कितना हो जाएगा 21 ईयर का, आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 साल के बाद में, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसे ही अपन ने 3 प्रॉब्लम देखे हैं, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और ये वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ में, जो भी आप पढ़ाई करने वाले दोस्त हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले हैं, या फिर CRT का प्रिपरेशन करने वाले हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन सक्सेसिवली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं उस पेपर से, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो पढ़ाई करने वाले दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, तो उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए उन लोगों को भी, ठीक है ना, और मेरा भी मोटिवेशन अगर बढ़ाना है तो वीडियो को लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट दो कि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियोज बनाते रहूँ दोस्तों, ठीक है ना, चलो थैंक यू।